एप्टीट्यूड प्लस एटीट्यूड गिव्स यू। इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है कि एटीट्यूड वाला पार्ट जो है ना, आप एप्टीट्यूड के बिना काम चला सकते हो। एक अच्छे एटीट्यूड से तुम 10 भी पढ़े हुए हो ना धीरू भाई अंबानी की तरह, अनपढ़ भी हो तुम तो भी तुम कामयाबी हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर एटीट्यूड ही नहीं है तो चाहे तुम कितने पीएचडी करे हो, तुम अपने घर पर बैठे रहोगे, तुम धक्के के दो नहीं करोगे, तुम आगे जिंदगी में नहीं चल पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू अचीव दैट ऑल्टीट्यूड इन योर लाइफ। ओके, सो गिव मी एन एग्जाम्पल। भव्य, लेट स्टार्ट विद भव्य। कि हाउ, कि ऐसा कोई देखो मुझे एग्जाम्पल दो कि किसी बंदे में एप्टीट्यूड था प्लस उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा था, वो कामयाब हो गया। लेकिन किसी बंदे का एप्टीट्यूड तो बहुत अच्छा था, काबिलियत बहुत थी उसमें, लेकिन एटीट्यूड अच्छा नहीं था यार, और वो डूब गया। यस, व्हेन डिड आई गिव यू दैट एग्जाम्पल? ओके, थोड़ा टाइम पहले दिया था। यस, एब्सोल्युटली। यू सी, सचिन तेंदुलकर, यू ऑल नो सचिन तेंदुलकर एवरीवन ऑनलाइन, कि हमें तो पता ही नहीं, कोई और पीटी उषा जानते हैं हम तो। सचिन तेंदुलकर, हाँ भैया, सचिन तेंदुलकर को कौन कौन नहीं जानता, बोलो। बाहर निकल जाओ फिर, सही में जाओ, क्रिकेट देखो जाकर, आईपीएल देखो, फिक्सिंग करो, वो गेम बनाओ उस पर टीम। हाँ, 0-11 पर टीम बनाई यार। ओके, सचिन तेंदुलकर सबने देखा, मतलब टीवी पर देखा है, मुझे पता है तुमने मुंबई जाकर नहीं देखा। विनोद कांबली, यस, हु नोज अबाउट विनोद कांबली? फर्स्ट क्लास का टॉपर रहा है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, 375 रन इसने बनाए थे, फर्स्ट ट्रिपल सेंचुरियन था हमारे, मतलब बहुत ही उम्दा प्लेयर था सचिन, और इसकी हाईएस्ट पार्टनरशिप भी रही है मुंबई के लिए, इंटर स्कूल वगैरह के लिए, और बहुत ही उम्दा। सबको विनोद कांबली का पता है, वरना फिर मैं कोई एग्जाम्पल और लूं। अबे तुझे तो पता है, औरों को, ये सबको एथिक्स की क्लास एक्चुअली इंटरेक्ट करने वाली होती है। सो चलो, दो अच्छे प्लेयर्स थे, एक विनोद कांबली और एक सचिन तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर। ऑब्वियसली यू नो, ये एमपी भी रहे हैं तुम्हारे, और ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ही वॉज मच मोर, कामली वॉज मच मोर टैलेंटेड देन सचिन तेंदुलकर। वाई ही हैड एन एज, ही वॉज अ फ्लैम्बॉयंट लेफ्ट हैंडेड। और ज्यादातर बोलर्स किन किन बैट्समैन को फेस करते हैं राइट हैंडेड को, तो जो लेफ्ट हैंडेड प्लेयर होता है उसको बोलिंग करनी बहुत मुश्किल होती है। ब्रेन लारा, माइकल, यू नो, मैथ्यू हेडन एंड ऑल दोस थिंग्स, लैंगर वगैरह, तो बहुत डिफिकल्ट सही नंबर। 194 जो पहला सेंचुरियन था, सबसे हाईएस्ट स्कोरर रहा है जो, तो लेफ्ट हैंडेड था, तो बॉलर्स को बहुत डिफिकल्टी होती थी इसको बोल करते हुए। शेन वॉन को सबसे अच्छा ये खेला करता था, तो बहुत सारी इसमें, मतलब हिज एप्टीट्यूड वॉज लार्जर 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 देन एप्टीट्यूड ऑफ सचिन तेंदुलकर। इनका एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन इनका एटीट्यूड कैसा था? ही हैड अ वेरी कैलस एटीट्यूड। सचिन तेंदुलकर ने विराट कोहली की तरह, सुनील गावस्कर की तरह ही, सचिन तेंदुलकर ने ग्राउंड पर सुबह 4 AM आ जाना, 4 बजे सुबह ये ग्राउंड पर आ जाता था सचिन तेंदुलकर, और ये 4 बजे जाकर पार्टी करके सोया करता था। ही यूज्ड टू स्लीप, वो 4 बजे सोया करता था, ये 4 बजे मोदी जी की तरह और योगी जी की तरह जाग जाया करता था सुबह, और 4 घंटे की नींद लिया करता था। और ग्राउंड के, सुनील गावस्कर के बारे में भी हम यही सुनते हैं कि वो सुबह 4 बजे उठकर ताला खोलकर, चौकीदार से चाबी लेकर, चौकीदार को जगाकर, और ग्राउंड के 15-20 चक्कर मार लिया करते थे, जब सारी टीम अभी उठकर आई भी नहीं होती थी। तो ये वाला एटीट्यूड जो था वो सचिन तेंदुलकर का सुपीरियर, बहुत सुपीरियर था। कैपेबिलिटी, ही वाज अ नॉर्मल पर्सन, राहुल द्रविड़ की तरह कैपेबल था, नॉर्मल पर्सन था। इसकी टेक्निक अच्छी थी, स्किल अच्छी थी, ठीक है, नॉर्मल था। ऐसे बहुत प्लेयर इंडिया के पास थे, बहुत ज्यादा प्लेयर्स थे, आज भी बैट्समैन की कोई कमी नहीं है इंडिया में। लेकिन एप्टीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड, सो एप्टीट्यूड अच्छा हो और एटीट्यूड अच्छा ना हो, देन यू आर नोवेयर। ही वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम द इंडियन नेशनल टीम आफ्टर द 1996 वर्ल्ड कप।
जस्ट बिकॉज अब कोच कह रहा है भाई तुम प्रैक्टिस पर नहीं आए, वो कह रहा है जी मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मैं प्रैक्टिस किसी और टाइम करूं, तुम्हें क्या लेना देना, मेरी मर्जी. सो ये मेरी मर्जी वाला चीज एंड दिस एटीट्यूड थिंग डिड नॉट